वेलकम बैक दोस्त। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, ताकि आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही मजा आने वाली है, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर इसी फिल्म के बारे में मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। दोस्त 2018 की बहुत ही बड़ी सुपरहिट फिल्म, नहीं तो आप कह सकती हो राम पोथानेनी कैरियर की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म। जी हाँ दोस्त, हेलो गोरो प्रेम कोसम, इसी फिल्म हिंदी डबिंग में आ रही है लेकिन कुछ महीनों के बाद, इसीलिए हम इस वीडियो में आज इस फिल्म की रिव्यू करेंगे यानी चर्चा करेंगे और बताएंगे इसी फिल्म की स्टोरी के बारे में और बताएंगे इसी फिल्म के अंदर आपको कौन सी चीज पसंद आएगा और कौन सी चीज ना पसंद आएगा, और साथ साथ लास्ट में बताएंगे इसी फिल्म को कितना रेटिंग मिलना चाहिए। दोस्त आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल घंटा के आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। दोस्त इसी फिल्म 2018 को रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है हेलो गोरो प्रेम कोसम, और इसी फिल्म को डायरेक्ट किया है त्रिनाथ राव ने। इसी फिल्म को प्रोड्यूस किया है साउथ की बहुत ही बड़ी प्रोड्यूसर में से एक है डिल राजू। इसी फिल्म को म्यूजिक दिया है देवी श्री प्रसाद ने। और दोस्त बात की जाए इसी फिल्म की रेटिंग की, तो इसी फिल्म को IMDb के तरफ से 7.2 रेटिंग मिला है आउट ऑफ 10 से, जो कि 94% लोगों ने लाइक किया है। इसी लाइक और रेटिंग से अंदाज लगा लीजिए कि इसी फिल्म हिंदी डबिंग में आने के बाद इसी फिल्म कितना अच्छा और कितना बड़ी फिल्म हो सकती है। इसी फिल्म के अंदर राम पोथानेनी के साथ लीडस्टर कास्ट में नजर आएंगे अनुपमा परमेश्वर, प्रणीता, सितारा, प्रकाश राज, सप्तगिरी, पुषान कृष्ण मुरली और सैन सिद्धे आदि स्टार कलाकार इसी फिल्म के अंदर आपको लीड स्टार कास्ट में नजर आएंगे। दोस्त इसी फिल्म के अंदर राम पोथानेनी के अपोजिट में दो हीरोइन नजर आएंगे, एक है अनुपमा परमेश्वर और दूसरी जो है प्रणीता। लेकिन अनुपमा परमेश्वर इसी फिल्म में मेन हीरोइन और प्रणीता इसी फिल्म में साइड हीरोइन भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। प्रकाश राज की बात की जाए तो इसी फिल्म के अंदर प्रकाश राज हीरोइन की फादर यानी अनुपमा परमेश्वर के फादर भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। दोस्त आगे बढ़ती है इसी फिल्म की स्टोरी के तरफ। दोस्त इसी फिल्म में संजू यानी राम को हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिलती है। वहाँ जाके अपनी माँ के दोस्त विश्वनाथ यानी प्रकाश राज के घर पर रहती है। लेकिन प्रकाश राज की एक प्यारी सी बेटी है जो कि इसी फिल्म का हीरोइन यानी अनुपमा परमेश्वर, राम उनके घर में कुछ दिन रहने के बाद उनके साथ करीब हो जाती है। फिल्म की शुरुआत में राम इसी फिल्म की सेकेंड हीरोइन प्रणीता को प्यार करने लगता है। लेकिन फिल्म की इंटरवल होने से पहले राम को एहसास होती है कि उनकी प्यार प्रणीता के प्रति नहीं बल्कि अनुपमा की प्रति यानी प्रकाश राज की बेटी प्रति है। लेकिन एक दिन प्रकाश राज को पता चलते है कि उनकी बेटी अनुपमा को राम प्यार कर रही है, और जैसे ही प्रकाश राज को राम की प्यार के बारे में पता चलती है, राम के साथ प्रकाश राज 30 दिनों की एक शर्त लगाती है। दरअसल ये शर्त क्या है, क्यों राम के साथ प्रकाश राज ने 30 दिनों की एक शर्त लगाई और राम अपनी प्यार को कैसे हासिल करेगा, राम अपनी प्यार को पाने के लिए राम को क्या क्या तकलीफ उठाना पड़ेगा, वो है इसी फिल्म की आगे की कहानी। दोस्त कहानी तो बहुत सीधी और सादी लगती है, लेकिन अनुपमा और राम के बीच जो लव स्टोरी है नॉनी की नैनो लोकल फिल्म की तरह एहसास दिलाएंगे। और दोस्त इसी फिल्म में राम और प्रकाश राज के बीच जो कोऑर्डिनेशन और कॉमेडी टाइमिंग है, आप इसी फिल्म को हिंदी डबिंग में देखने के बाद आप एंटरटेनमेंट हो जाएंगे। दोस्त आगे बढ़ती है इसी फिल्म की प्लस पॉइंट की तरह। दोस्त इसी फिल्म में जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है वो है इसी फिल्म की बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि दोस्त इसी फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर देवी सी प्रसाद ने इसी टाइप कॉमेडी रोमांटिक एंटरटेनर फिल्म को जिस तरह म्यूजिक चाहिए थी उन्हें इसी तरह म्यूजिक सेट किया है। दोस्त इसी फिल्म में जो सेकंड बड़ी प्लस पॉइंट है वो है राम और अनुपमा की एक्टिंग। जी हाँ दोस्त, राम और अनुपमा की एक्टिंग को काफी सारे तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि इस दोनों की एक्टिंग दिल को छू जाती है। और दोस्त इसी फिल्म की जो तीसरी बड़ी प्लस पॉइंट है वह इसी फिल्म की रोमांटिक कॉमेडी सीन, जो कि नॉनी की नैनो लोकल फिल्म की तरह एहसास दिलाएंगे। दोस्त आगे बढ़ती है इसी फिल्म की माइनस पॉइंट की तरह। दोस्त इसी फिल्म में जो सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है वह इसी फिल्म की कहानी, क्योंकि दोस्त इसी फिल्म की कहानी साधारण और रूटीन कहानी है, जो कि इसी फिल्म की कहानी में कुछ न्यू देखने को नहीं मिलती है। दोस्त इसी फिल्म की जो सेकंड बॉडी माइनस पॉइंट है वो है इसी फिल्म की क्लाइमैक्स सीन। इसी फिल्म की क्लाइमैक्स सीन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसी फिल्म की क्लाइमैक्स सीन बहुत छोटी सी है, जो कि आपको पसंद नहीं आएंगी। दोस्त इसी सारी चीज को सामने रख के अगर एक ही शब्द में कहा जाए तो इसी फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। दोस्त अगर इस फिल्म की रेटिंग की बात की जाए तो इसी फिल्म को मेरी तरफ से 5 से 3.5 स्टार।